Praise the Lord for this wonderful new day and greetings all to all of you. और प्रभु परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहते हैं सुंदर और नए दिन के लिए और आज की सुबह आप सबको अभिवादन प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Hearing the voice of God before we start hearing the voices of this world is very important as God's people. और याद रखिए परमेश्वर के लोग और उसके जन होते होने के नाते परमेश्वर की वाणी को पहले सुनना इसकी बजाय कि हम संसार को पहले सुने उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है. Let us first fill our ears and our minds with the voice of और आने होने दे आज की सुबह हम अपने मनों को और अपने कानों को पहले परमेश्वर की वाणी से भर लें. Today I want to read a passage from Hebrews chapter 1 verses 2 and 3. और आज के दिन मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय दूसरा और तीसरा वचन. This passage says, but in these last days he has spoken to us by his son, whom he appointed heir of all things, and through whom he made the universe. The sun is the radiance of his God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है. वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामान के दाहिनी ओर जा बैठता है. This passage in the book of Hebrews reveals seven great revelations about Jesus Christ. और ये वचन इब्रानियों की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सात बड़े प्रकाशनों को दिखाता है. Let me mention these seven revelations with references. और मैं इन सातों प्रकाशनों को आज की सुबह वचनों के साथ आपको बताऊंगा. And I advise you to please listen and write down these references. And perhaps before you sleep tonight, go through these references and remind yourself of what you heard. और मेरा सुझाव आप सब के लिए यही है कि आज की सुबह और या आज के दिन खत्म होने से पहले आप इन वचनों को पढ़ें और देखें कि ये क्या कहते हैं. Number one. पहला वो प्रकाशन. Jesus Christ is the heir of all things. कि यीशु मसीह ही हर एक बात का वारिस है. Romans chapter 8 verse 17. रोमियों की पुस्तक उसका आठवां अध्याय सत्रवां वचन. Galatians chapter 3 verse 29. और गलातियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और नवा वचन. Ephesians chapter 3 verse 6. क्षमा करेगा गलातियों की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय 29वां वचन और इफिसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय छठा वचन. And 1 Peter chapter 3 verse 7. और पहला पत्रस तीसरा अध्याय सातवां वचन. And secondly, और दूसरा प्रकाशन. Universe was made through him. ब्रह्मांड की रचना उसी के द्वारा की गई. The Gospel according to St. John chapter 1 verse 3. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय तीसरा वचन. Number 3. तीसरा प्रकाशन. रेडियंस. जीसस क्राइस्ट इज अ रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी. यीशु मसीह परमेश्वर पिता की महिमा का प्रकाश है. कलोसियंस चैप्टर 1 वर्सेस 15 एंड 19. कलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 15वां वचन और 19वां वचन. चैप्टर नंबर 4. चौथा प्रकाशन. जीसस क्राइस्ट इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड. और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर को एक सिद्ध रूप में दिखाता और दर्शाता है. Again, Colossians chapter 1, verse 15. और कुलूसियों की पत्री पहला अध्याय 15वां वचन. Number 5. पांचवा प्रकाशन. Sustainer of all things by his word. वो हर एक बात को अपने वचन के द्वारा संभालने वाला है. Now under this I would like to mention four things. और इस पांचवे प्रकाशन के भीतर चार ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा. Psalm number 18:35 says. और भजन रचने वा भजन 118 और नवा वचन कहता है. 18. और भजन 18. 35.
35वें वचन में लिखा है, His right hand sustains us. कि उसका दाहिना हाथ के द्वारा हम संभाले जाते हैं. And then in Psalm 146, verse 9 says. और भजन 146 उसका नवा वचन में लिखा है. He sustains the fatherless and widows. और वो विधवाओं और जिनके पिता नहीं हैं उनको भी संभालने वाला परमेश्वर है. And then Psalm number 147, verse 6 says. और भजन 147 और छठे वचन में लिखा है. The Lord sustains the humble. कि वो पर प्रभु दीन को संभालता है. And again Isaiah chapter 50, verse 4 says. और यशया नबी उसका 50वां अध्याय चौथे वचन में लिखा है. His word. Sustains the weary. कि थके हुओं को उसका वचन संभालता है. See, our God is a mighty God who does not just simply create things, but He takes care of all His creation. और इसलिए याद रखिए कि हमारा परमेश्वर ना केवल चीजों को बनाने वाला, वस्तुओं को रचने वाला, लेकिन उनको संभालना और उनकी चिंता करने वाला परमेश्वर है. Now, Revelation number 6. और प्रकाशित वाक्य उसका छठा अध्याय. Provided forgiveness of sin. और पापों के प्रति क्षमा को वो देता है. Ephesians chapter 1 verse 7. इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय सातवां वचन. And Revelation number 7. और प्रकाशन जो सातवां प्रकाशन है. Jesus Christ after accomplishing the salvation for mankind, he sat down at the right hand of his majesty. तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के लिए मोक्ष या उद्धार का रास्ता खोलने के पश्चात अपनी महिमा में उस सिंहासन पर विराजमान हो गया. The Gospel according to Saint Mark chapter 16 verse 19. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 19वां वचन. What a wonderful Lord and what a wonderful Savior we have. और कितना अद्भुत परमेश्वर और कितना अद्भुत उद्धारकर्ता हमारे पास है. Hebrews chapter 1 verse 1 says. इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहले वचन में लिखा है. In the past, God's revelation and prophetic word to us came literally in many parts. और पिछले समय में परमेश्वर का प्रकाशन और उसके वचन हमारे पास कई रीति से पहुंचे. And by many ways. और कई तरीकों से. And primarily. Through his prophets. और मुख्य रूप से उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा. This is a reference to what is contained in the Old Testament section of the Bible. और ये सारी बातें इस ओर हमें दिखाती और दर्शाती हैं वो सारी भविष्यवाणियां और वचन जो पुराने नियम में बाइबल के पाए जाते हैं. But all of the messages in the Old Testament did not give us the complete sum of what God wanted us to know. पुराने नियम में वो सारे वचन जो मौजूद हैं, सारी भविष्यवाणियां, वो हमें पूर्ण रीति से इस बात को नहीं दर्शाती कि परमेश्वर को क्या चाहिए था. What he wanted us to know. और वो क्या चाहता था कि हम जाने. And what we would need to know. और हमें क्या जानने की आवश्यकता है. But now at last. लेकिन अब अंतिम में. God has spoken and revealed. Himself to us. अब अंतिम दिनों में परमेश्वर ने खुद को प्रकाशित किया और हमसे बात किया है. How? कैसे? By His Son, Jesus Christ. अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. And the revelation in the person of Jesus Christ in a full and complete way. और वो प्रकाशन जो प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में हमें प्राप्त हुआ वो परिपूर्ण और पूर्ण रूप से हमें मिला. Not partially. और आधे रूप से नहीं. Not only a part of it. और या अधूरे रूप से नहीं. But in Christ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह में. We have a complete and perfect revelation of God and of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह में हमें परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन प्राप्त हुआ. Because Christ is supreme over all things. और याद रखिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक बात पर से ऊंचा और ऊपर है. God's word through him is complete. और परमेश्वर का वचन उसके द्वारा पूर्ण हो गया. Above and beyond
all previous words और वो सारी बातें जो पहले कही गई थी and revelation वो सारे पहले के प्रकाशन from God through the prophets और परमेश्वर के द्वारा भविष्यवक्ताओं के द्वारा or any other source या किसी और दूसरे स्रोत के द्वारा has not been complete वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ but now God has spoken to us through His Son Jesus. लेकिन अब इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात की. It's a perfect revelation of God. वो तो परमेश्वर पिता का एक सिद्ध प्रकाशन है. And for this reason, the author of Hebrews confirms Christ's supremacy. और इसी कारण वह इब्रानियों को लिखने वाला उसका रचयिता इस बात को लिखता और बताता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हर एक बात में सर्वोत्तम है। And he did it by listing the seven great revelations about Christ, who is God's Son. और उसने इस बात को पूरा किया और बताया इस सात प्रकाशनों के द्वारा जो अपने वचन में उसने दिए। God the Father attested His Son's supremacy. परमेश्वर पिता ने भी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्चता को दिखाया। When he spoke at the time of the transfiguration of Jesus, जब उसने अपने पुत्र के बारे में बात किया उस स्वर्ग रोहण के पहाड़ पर, while standing on that mount, और जबकि उस पहाड़ पर वो खड़ा था, he was suddenly transfigured. वो अचानक से उसका रूपांतरण हो गया. His face began to shine like with a more powerful than a midday sun of और उसका मुख ऐसे चमकने लगा कहीं ज्यादा चमकने लगा जैसे दोपहर का सूरज है उससे भी कहीं ज्यादा his clothes became whiter than snow और उसका जो चोगा था वस्त्र थे वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो गए and seeing all these things you know the disciples did not know what to speak aur ye sari baatein dekhne ke paschat chelo ko ye nahi pata tha ki wo kya bole and peter spoke anyway aur patras ne fir bhi bola he said it is good for us to be here aur usne kaha ye to acha hai hamare liye ki hum yahan hain we three disciples together will make three tents here aur hum teen chele milkar teen tambuon ka nirman is sthan par karenge one for moses and one for elijah aur ek yeshu ke liye ek musa ke liye aur ek elijah ke liye there is one God the Father from heaven spoke. और उसी वक्त परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से बात की. And what God the Father spoke was a rebuke to Peter as well as a revelation. और जो परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से बोला वो पत्रस के लिए एक डांट और साथ ही साथ एक प्रकाशन था. Peter, पत्रस, you shut your mouth. तू अपने मुंह को चुप कर. This is my son. ये मेरा पुत्र है. You listen to him. और इसको सुन. You don't speak. तू मत बोल. You listen. तू सुन. And listen to him. और इसकी सुन. And my friends. और मेरे मित्रों. That's why it is important for us to learn everything that Jesus Christ has taught. इसीलिए ये जरूरी है कि हमें उन सारी बातों को सीखना है जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया. And even in making disciples. और चेले बनाने में भी. One of the most vital thing is to teach them. Everything that Jesus Christ has taught his disciples. उन्हें हर एक ऐसी बात को सिखाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया है. So this morning. और इसलिए आज की सुबह. As you begin your day. जैसे कि आप अपने दिन की शुरुआत को करते हैं. The voice of God has come to you. परमेश्वर का वचन आपको पास पहुंचा है. And let it ring into your ears again and again. और होने दे ये वचन निरंतर आपके कानों में बजता रहे. Listen to Jesus. यीशु को सुने. Listen to Jesus. यीशु की सुने. Listen to Jesus. यीशु की सुने. And by listening. Listening to Jesus, all his teaching we found in the Gospels. और यीशु को सुनने के द्वारा उसकी सारी शिक्षाओं को सुने जो इन सुसमाचारों में पाई जाती हैं. That's what the apostles preached and taught. और इन्हीं सारी शिक्षाओं को प्रेरितों ने सिखाया और प्रचार किया. That's what the church fathers in all ages has preached and taught. और इन्हीं बातों को सारे युगों के समय जितने भी कलीसिया के बड़े-बड़े पाजवान और बिशप्स थे उन्होंने प्रचार किया. Not deleting anything, not adding anything. और किसी भी बात को
निकालते हुए या उसमें कुछ मिलाते नहीं। God's word परमेश्वर का शुद्ध वचन came to us through Jesus जो आया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Nothing else we need और कुछ और बात की हमें आवश्यकता नहीं। May the Lord sustain you और होने दे परमेश्वर आप सबको संभाले। Today give you good opportunity to witness to somebody और होने दे आज के दिन एक अच्छा मौका आपको मिले कि आप किसी के लिए गवाही दें। And glorify God और परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा। Hallelujah Hallelujah May the grace of God enables you और होने दे परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभाले। May the Holy Spirit anoint you and use you और पवित्र आत्मा आपको अभिषेक दे और आपका प्रयोग करे। Lord our God हमारे पिता हमारे स्वामी। Thank you धन्यवाद। That it is your will for us to be a witness for your sake क्योंकि ये तो तेरी इच्छा है कि हम तेरे खातिर तेरे गवाह बन जाएं। So we submit ourselves to you और इसलिए हम खुद को तुझे समर्पित करते हैं। Fill us with your spirit अपनी आत्मा से हमें भर दे। And use us by the Holy Spirit और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा प्रयोग कर। To teach the world around us whatever Jesus has taught us और ताकि हम अपने संसार जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं उन्हें वो सिखाएं जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया। Thank you धन्यवाद। Jesus name यीशु के नाम। Amen Amen This is a great day और ये एक महान दिन है। Wonderful day एक अद्भुत दिन। Enjoy this day इस दिन का आनंद आप लें। By the grace of God परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। Remember who you are और याद रखिए आप कौन हैं। You are God's child through Jesus Christ आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन Praise the name of the Lord